एशियन गेम्स रे भारत दमदार आरंभ करिछि। प्रथम दिन रे आरंभ रु ही भारत को पांचोटी पदक मिलिथिबा नै जणा पड़ुछि। एशियो क्रीडा रे भारत को पांचोटी पदक मिलिछि, तीनोटी रौप्य दुईटी ब्रोंज पदक मिलिछि। रोइंग रे भारत को दुईटी रौप्य गोटिए ब्रोंज पदक मिलिछि, तबे शूटिंग रे भारत को दुईटी रौप्य पदक मिलिछि। अर्थात भारत को मोट पांचोटी पदक मिलि सारिछि। शूटिंग रे महिला टीम को रौप्य पदक मिलिथिबा जनापड़ी। दस मीटर एयर राइफल टीम इवेंट रे भारत सफलता हासिल कर स्टार शूटर मेहुली रमिता एवं आशी चौकसी को मध्य सफलता मिली। रोइंग रे अरपिंद सिंह अर्जुन लाल जाट रौप्य पदक आनी। पुरुष लाइटवेल डबल्स कॉल रे भारत को मध्य सफलता मिली। एशियन गेम्स रो प्रथम दिन रे ही भारत को सफलता मिली। अर्थात दमदार विजय सह भारत तार यात्रा आरंभ कर तेबे एशिय क्रीडा रे भारत को मोट पांचोटी पदक मिल सारी। रोइंग रे भारत को दुईटी रौप्य गोटे ब्रोंज पदक मिली और शूटिंग रे भारत को दुईटी रौप्य पदक मिली। सो इट इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस दैट इट इज द फर्स्ट मेडल फॉर एशियन गेम्स एंड या वी आर रियली हैप्पी फॉर द मेडल। व्हाट आई हैव टू से अबाउट दैट दैट वी वर लाइक वेरी प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड वी वर कॉन्फिडेंट दैट वी विल गेट अ मेडल। सो या आई एम रियली हैप्पी फॉर द मेडल एंड दिस इज माई फर्स्ट मेडल फॉर द एयर राइफल। इट लाइक वी कॉन्ट ब्लेम एनी वन, वी आर लाइक अ टीम। सो या लाइक वट एवर स्कोर इज इट इज एंड वी जस्ट डोंट थिंक अबाउट इट मच एंड as you said that it is an individual event, so like we only focus on our match and whatever happens is the team. Like hamare coach hamare idhar army rowing noida mein coach ne hamare pe vishwas kare, hame practice karwaye acche se aur itne time se hum practice kar rahe hain 2-3 saalon se badhiya is event ke liye aur aaj ab rang leke aayi ye bayan kar nahi sakte, bahut yani bahut zyada acha laga। देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे इस मेडल की जीत के? बस यही कि मेहनत अच्छे से जो करता है वो सफलता जरूर उसको मिलती है। मैंने रोइंग शुरू की है 2021 में, मेरा फर्स्ट मेडल था इंडोर रोइंग चैंपियनशिप में, फिर ब्रॉन्ज मेडल था नेशनल उसमें 36 नेशनल गेम्स में गुजरात में, मेरा फिर 40 नेशनल सीनियर नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल था और यहाँ से मैं वहाँ से यहाँ पहुँच कर मेरा ब्रॉन्ज मेडल है इंटरनेशनल में।